बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं नुमान सादिक और आज आपको तारीख की ऐसी 10 भयानक तरीन वबाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके सामने शायद कोरोना वायरस का खौफ आपको कम लगे। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में खौफ की लहर दौड़ा दी, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर शवाहिद से मालूम होता है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं जितना इससे पैदा होने वाला खौफ। तारीख हमें बताती है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ, खौफनाक वबाओं ने बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को धर्म भरम करके रख दिया। इनके मुकाबले में मौजूदा कोरोना वायरस की वबा की कोई हैसियत नहीं। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले दोस्तों, चलिए आइए शुरू करें। बीमारियों की रैंकिंग इनसे होने वाले नुकसान को मद्देनजर रख के की गई है। नंबर 10, नींद की वबा या स्लीपिंग सिकनेस। कुल हलाकतों की तादाद 15 लाख। 1915 से 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का 22 एक जरसूमा था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता था। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जा सकता था और इसके मरीज पर शदीद गनोदगी तारी हो जाती थी। इसकी शिद्दत में मरीज बुत का बुत बना रहता और हिलजुल भी नहीं सकता था और इसी तरह इसकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, ये बीमारी एक मक्खी के काटने से फैलती थी जिसे सीसी फ्लाई कहा जाता था। चले आए बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, एशियाई फ्लू या एशियन फ्लू। हलाकते 20 लाख। 1957 से 1958 चीन ही से एक फ्लू उठा जिसने देखते ही देखते दुनिया भर को लपेट में ले लिया। बाज माहिरीन के मुताबिक इसका वायरस बतखों से इंसानों में मुंतकिल था। इस वबा से 20 लाख के करीब लोग मारे गए जिनमें सिर्फ अमेरिका में 70,000 हलाकतें शामिल है। नंबर 8 की तरफ, नंबर 8, ईरानी ताउन। इसे होने वाली हलाकतों की तादाद 20 लाख से ज्यादा। वैसे तो ताउन की बीमारी वक्तन फवक्तन सर उठाती रही, लेकिन 1772 में ईरान में एक हैबतनाक वबा फूटी। इस जमाने में इस मूजी मर्ज का कोई इलाज नहीं था जिसकी वजह से इसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। चले आइए चलते हैं नंबर 7 की तरफ, कोकोलिस्टेली 2। जब हस्वानी मोहिम जुओ ने बड़े आजम अमरीका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख का एक होलनाक अलमिया जन्म ले उठा। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपी जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मुदाफत मौजूद नहीं थी, इसलिए इनकी बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई। एक साना 1576 से 1580 में मैक्सिको में पेश आया जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लुकमा अजल बन गए। ये वाजे नहीं कि असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीजों को तेज बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था। चले आइए बड़े चलते हैं नंबर 6 की तरफ, नंबर 6, एंटोनियन की वबा। दोस्तों, इसमें होने वाली हलाकतों की तादाद 50 लाख से 1 करोड़ तक। ये दहशतनाक मर्ज इस वक्त फैला जब रोमी सल्तनत अपने अरूज पर थी। 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाले इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तहबाला करके रख दिया। मशहूर की जेलिनस इस दौर में गुजरा है और इसने मर्ज की तफसीलात बयान किए, ताम ये वाजे नहीं हो सका कि यह मर्ज कौन सा था और इस सिलसिले में खसरा और चेचक दोनों का नाम लिया जाता है। चले आइए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, नंबर 5, कोकोलिस्टेली 1। ये वबा भी मेक्सिको में ही आई थी, लेकिन कोकोलिस्टेली 2 से तकरीबन 30 बरस पहले, और इसकी वजह भी वही थी, यानी बड़े आजम अमरीका के मकामी बशिंदों में यूरोपी जरासीम के खिलाफ अदम मुदाफत। लेकिन इस वबा ने दूसरी के मुकाबले पर कहीं ज्यादा क़यामत चढ़ाई और 50 लाख से 1.5 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 2.5 करोड़, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। चलिए आइए बड़े चलते हैं नंबर 4 की तरफ, नंबर 4, जस्टिनियन ताउन। हलाकतों की तादाद 2.5 करोड़। 541 तक 542 में आने वाली ये वबा ताउन की पहली बड़ी मिसाल है। इस वबा ने 2 साल के अंदर अंदर बाज़नतीनी सल्तनत और इससे मुलेका सासानी सल्तनतों को सैलाब की तरह लपेट में ले लिया। इस वबा का असर इस कदर शदीद था कि माहिरीन के मुताबिक इसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि इस वबा ने इन सल्तनतों को इतना कमजोर कर दिया कि चंद अशरों बाद अरब बड़ी आसानी से दोनों को उलटने में कामयाब हो गए। चलिए आइए अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, नंबर 3, एड्स, एचआईवी।
दोस्तों हलाकतों की तादाद 3 करोड़। एड्स नई बीमारी है जिसका वायरस मगरबी अफ्रीका में चिंपैंजियों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर वहां से बकिया दुनिया में फैल गया। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा अफ्रीका को मुतासिर किया और हालिया बरसों में दुनिया भर में होने वाले 60% से ज्यादा मरीजों का ताल्लुक ज़ेर सहारा अफ्रीका से है। और अब नंबर 2, दोस्तों नंबर 2, हस्पानवी फ्लू। हलाकते 10 करोड़। ये वबा इस वक्त फैली जब दुनिया अभी अभी पहली आलमी जंग की तबाही के मलबे तले दबी हुई थी, यानी 1918 से 1920। इस वक्त दुनिया की आबादी 2.25 अरब थी और हस्पानवी फ्लू ने तकरीबन हर चौथे शख्स को मुतासिर किया। इस वक्त जंग की सूरत हाल की वजह से यूरोप के बेशतर हिस्सों में इस फ्लू से होने वाली हलाकतों को छुपाया गया, जबकि स्पेन चूंकि जंग में शामिल नहीं था और वहां से बड़ी हलाकतों की खबर आने के बाद ये तासुर मिला जैसे इस बीमारी ने खासतौर पर स्पेन को ही अदफ बनाया। आमतौर पर फ्लू बच्चों और बूढ़ों के लिए ज्यादा मौलिक साबित होते हैं, लेकिन हस्पानवी फ्लू ने जवानों को खास तौर पर हलाक किया। आखिरी और तबाही के लिहाज से नंबर 1, ब्लैक डेथ, जिसे स्याह मौत कहा जाता है। हलाकते 7.5 करोड़ से 20 करोड़। इंसानी तारीख कभी इतने बड़े साने से दोचार नहीं। 1347 से 1351 तक ताउन की इस वबा ने दुनिया को इस कदर मुतासिर किया कि कहा जाता है कि अगर ये वबा ना आई होती तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। माहिरीन के मुताबिक ताउन का जरसुमा मशरक एशिया से होता हुआ तजारती रास्तों के जरिए मशरक वुस्ता और फिर यूरोप जा पहुंचा, जहां वो 30% से 60% आबादी को मौत के मुंह में ले गया। तबाही इस कदर भयानक थी कि पूरे शहर में मुर्दों को दफनाने वाला कोई नहीं बचा। और आखिर में अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इन तमाम बीमारियों से महफूज करे। आमीन सुम्मा। शुक्रिया दोस्तों।